जम्मू कश्मीर में डीएसपी को पीट पीट कर मार डालने की बर्बर घटना पर राज्य के डीजीपी का सख्त बयान। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को सुरक्षा देना बंद कर देना चाहिए। हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटाने की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्रालय ले रहा संज्ञान। केंद्र का गृह मंत्रालय इस सारे घटनाक्रम का संज्ञान लिए हुए कि जांच की कार्रवाई अलगाववादी नेताओं और उनके समर्थकों के प्रति अब आरंभ की गई है। मीरवाइज की भूमिका की भी हो रही है जांच। डीएसपी की हत्या के वक्त मस्जिद में मौजूद थे मीरवाइज। शहीद डीएसपी के घर वालों ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल, कहा अयूब के साथ नहीं थे कोई बॉडीगार्ड, सबने मरने के लिए दिया था छोर। बीती रात जामा मस्जिद में मौजूद थे मीरवाइज उमर फारूक, तस्वीरें सामने आने के बाद कहा हिंसा के बाद लोगों को समझाने की कोशिश। भारत के साथ तनाव के बीच पाक उच्चायुक्त तो बासत की बौखलाहट, बोले बातचीत की भीख नहीं मांग रहा पाकिस्तान। मल्लभगढ़ कांड में एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने एक और शख्स को हिरासत में लिया। दिल्ली से वल्लभ पर जा रही ट्रेन में बीफ खाने की अफवाह पर मौत का खेल, पीट पीट कर भीड़ ने एक शख्स की हत्या की। चार युवकों से मारपीट के बाद ट्रेन से फेंका, एक की मौत, तीन बुरी तरह घायल। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना, अमेरिका के साथ साथ जाएंगे पुर्तगाल और नीदरलैंड्स। अमेरिकी दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती लाना लक्ष्य, 26 जून को होगा राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात। दौरे के पहले पलाव में पुर्तगाल जाएंगे पीएम, प्रधानमंत्री कोस्टा से करेंगे मुलाकात। पुर्तगाल में भारतीय समुदाय को संबोधन का भी है कार्यक्रम, दोनों देश मना रहे हैं राजनयिक संबंधों की 70वीं सालगिरह। अमेरिका से लौटते वक्त नीदरलैंड्स जाएंगे मोदी, प्रधानमंत्री मार्क रेटा के साथ साथ किंग से भी होगी मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव पर बिहार में बिगड़ी महागठबंधन की सेहत, लालू की इफ्तार पार्टी में अलग अलग दिखे लालू नीतीश, नहीं हुई कोई बात। कोविंद के समर्थन, नीतीश ने किया पलटवार, कहा क्या चुनाव हरवाने के लिए विपक्षी खेमे ने तय किया बिहार की बेटी का नाम। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था तो इसके पहले दो बार अवसर था, और इस समय तो बिहार की बेटी याद नहीं आई थी। नीतीश ने विपक्ष को दी नसीहत, भविष्य में तैयार करें जीत की रणनीति। महागठबंधन में दरार की खबरों को रावी ने किया खारिज, कहा बिहार में गठबंधन नया टूट। दिल्ली सरकार के इफ्तार पार्टी से गायब रहे कुमार विश्वास, सीएम केजरीवाल के साथ संबंधों में खटास की अटकलें। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विरोध का अनोखा ड्रामा, सदन की कार्रवाई से तौबा कर बनाई अपनी विधानसभा। पंजाब विधानसभा के बाहर आप विधायकों ने चलाया अपना सदन, खुद ही निभाई विपक्ष, सत्ता पक्ष और स्पीकर की भूमिका। अकाली दल ने भी पंजाब सरकार का किया विरोध, काले लिबास में विधानसभा पहुंचे पार्टी के विधायक। मध्य प्रदेश के सीहोर में फिर सड़कों पर उतरे किसान, प्याज ना बिकने से नाराज किसानों ने किया हाईवे जाम। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद भी नौकरशाहों का नहीं बदला रवैया, बैतूल की कृषि मंडी में बारिश में भीगते रहे अनाज। खरगोन में सरकार की लापरवाही से किसानों से खरीदा प्याज बारिश की भेंट चढ़ा, कृषि उपज मंडी में रखा 20,000 क्विंटल प्याज हुआ बर्बाद। आरक्षण को लेकर फिर भड़की जाट आंदोलन की चिंगारी, रेल ट्रैक और सड़क पर टूटा गुस्सा। राजस्थान में जाट आंदोलन ने रेल मुसाफिरों को किया परेशान, एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द, कई रेलगाड़ियों के रूट में बदलाव। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाप ने की इंजीनियर बेटी की हत्या, प्रेम प्रसंग से नाराज होकर किया कत्ल। गिरफ्त में आया धनबाद हत्याकांड का आरोपी, यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स ने 25,000 इनामी बदमाश सोनू उर्फ कुर्बान अली को वाराणसी से किया गिरफ्तार।
राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने कैश वैन से दिन दहाड़े 12 लाख रुपए लूटा, विरोध करने पर गार्ड को मारी गोली। कपूरथला पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया, धरे गए गिरोह के 3 बदमाश। राजस्थान के धौलपुर में दूषित आइसक्रीम खाने से 1.5 दर्जन से अधिक लोग बीमार।